सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आ जाइए लाइव। जितने भी ग्रुप हैं उन सब में शेयर करना है और लाइक तो करना ही करना है वीडियो को। तो कल से सेकंड ग्रेड जीके का भी एक नया बैच शुरू हो रहा है। राजस्थान पुलिस का नया बैच 30 तारीख से सुबह 9 बजे शुरू हो रहा है। फर्स्ट ग्रेड जीके और सब्जेक्ट के 30 तारीख से 2 बजे शुरू हो रहे हैं। और यदि आप कंप्यूटर अनुदेश की तैयारी करना चाहते हैं तो 9 बजे मंगलवार को नया बैच शुरू हो रहा है। बाकी आरएएस का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, बहुत शानदार जानदार आप तैयार कर सकते हैं अपना जीके, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, वर्ल्ड जीके कंप्लीट कोर्स उसका आरएएस का। तो नोट्स, अच्छे अच्छे नोट्स आपको बनवाए जाएंगे। आप 8 महीने 9 महीने रेगुलर उसमें जुड़े रहें, मात्र 1500 रुपये उसकी फीस है। तो जितने ग्रुप है उनमें शेयर कर दीजिएगा। और आपको ये जो सीरीज शुरू की है कैसी लग रही है, अच्छे अच्छे कमेंट करके बताते रहिए। आज का क्वेश्चन है, अप्रैल 2016 में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने राज्य में सर्वप्रथम ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की। इसकी शुरुआत कहां से की गई ये बताना है। सबसे पहले तबीजी अजमेर से, सेमर भरतपुर से, बस्सी जयपुर से या बीकानेर से। ड्रैगन फ्रूट की शुरुआत कहां से की थी ये आपको बताना है। तबीजी अजमेर से, सेमर भरतपुर से, बस्सी जयपुर से या बीकानेर से। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बस्सी जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय मसाला बीज केंद्र या बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है। बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, वैसे तो तबीजी, और अब तबीजी की जगह एक नया नाम आने लग गया डूडाड़ा, तबीजी या डूडाड़ा अजमेर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2000 में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। कि बीज मसाला केंद्र कहां पर है, तबीजी अजमेर। तबीजी ना है तो डूडाड़ा। अब की बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था, यह याद रखिएगा। सेवर अनुसंधान, सेवर में क्या है, सेवर में आपसे पूछे तो आप कह देना राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है कहां, सेवर भरतपुर। इसकी स्थापना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 1993 इसकी स्थापना जरूर याद रखना, आजकल स्थापना भी पूछने लग गया। तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 में। 20 अक्टूबर 1993 में सेवर अनुसंधान, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी सेवर भरतपुर में। आंसर है बस्सी जयपुर प्रभुलाल सैनी ने। अब एक बात सुनिए कि यहां पर अगर ये पूछ ले कि बस्सी जयपुर में कौन से फार्म से इसकी शुरुआत की है, तो डिडोल फार्म से इसकी शुरुआत की है। बस्सी जयपुर में डिडोल फार्म से इसकी शुरुआत हुई है। डिडोल फार्म से इसकी शुरुआत हुई है, यह याद रखिएगा। बस्सी जयपुर में डिडोल फार्म से इसकी शुरुआत हुई। एक अच्छा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये जो ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है, ये भारत का राजस्थान कौन सा राज्य बना है। भी राजस्थान में तो आपने याद रख लिया, बस्सी जयपुर से शुरू हुई, डिडोल फार्म से शुरू हुई। अगर पूछे भारत में सबसे पहले कहां शुरू से शुरू हुई, तो महाराष्ट्र, दूसरा पूछे तो कर्नाटक, तीसरा पूछ ले तो आंध्र प्रदेश, और चौथा है राजस्थान। अगर ये पूछ ले कि ड्रैगन फ्रूट की जो शुरुआत हुई थी उसमें अगर भारत का अगर कोई पहला राज्य पूछ ले, तो आप ये याद रखना कि सबसे पहले शुरू हुआ था महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद में दूसरा अगर राज्य पूछे तो कर्नाटक है, तीसरा पूछे तो आंध्र प्रदेश है, और चौथा अगर कोई पूछ ले तो हमारा राजस्थान है। भारत का कौन सा राज्य है, चौथा। भारत का पहला राज्य जहां से ड्रैगन फ्रूट की शुरुआत हुई, तो महाराष्ट्र। राजस्थान में सबसे पहले कहां से हुई, बस्सी जयपुर से। बस्सी जयपुर में कहां से हुई, डिडोल कृषि फार्म, डिडोल फार्म से शुरू हुई थी, ये याद रखिए। बीकानेर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। कैसे, आपसे कोई ये पूछे कि केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है, जोहड़ बीड़ बीकानेर। कैमल मिल्क डेयरी कहां है, बीकानेर। ऊंट या उष्ट अनुसंधान केंद्र,
अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो जोहड़ बीड़ बीकानेर अनुसंधान केंद्र। कैमल मिल्क डेयरी कहां पर है? बीकानेर। बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहां है? बीकानेर। बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में है। मूंगफली मंडी कहां पर है? बीकानेर में है। आपसे यह पूछ ले, एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी कहां है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी कहां पर है? तो याद रखिए नोखा। और नोखा कहां पर है? बीकानेर में है। नोखा कहां पर है? बीकानेर में है। बहुत अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिससे अपने सीख सकते हैं। बीज मसाला केंद्र पूछे तबीजी अजमेर में है। सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। बस्सी के डिढोल फार्म से शुरुआत हुई थी ड्रैगन फ्रूट की, याद रखिए। बीकानेर के अंदर ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीड़ बीकानेर, कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर, बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, मूंगफली मंडी बीकानेर, एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी नोखा बीकानेर में है। नोखा बीकानेर के अंदर है, यह भी याद रखिएगा। और अगर मंडी के ऊपर और भी कुछ अपने बात करें तो राजस्थान की प्राचीन पुष्प मंडी तो आप सबको पता है पुष्कर अजमेर में। फिर उसके बाद में कि सबसे बड़ी पुष्प मंडी, राजस्थान की सबसे बड़ी पुष्प मंडी, सबसे बड़ी पुष्प मंडी अगर पूछे तो आप ये कह देना मुहान मंडी जयपुर में। सबसे बड़ी पुष्प मंडी मुहान मंडी जयपुर में। राजस्थान की प्राचीन पुष्प मंडी पूछे तो पुष्कर अजमेर में। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र तो माउंट आबू सिरोही में है। ये भी याद रख सकते हैं, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ये भी सबको पता है। तो राजस्थान की प्राचीन पुष्प मंडी पूछ ले, आप कहोगे सबसे प्राचीन पुष्प मंडी तो कहां पर है? पुष्कर में। सबसे बड़ी पुष्प मंडी पूछे मुहान या मुहाना मंडी जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र पूछे तो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और यह आपको मैंने बताया था कि राजस्थान की पहली कृषि नीति कब बनी? तो याद रख लेना 26 जून 2013 में। और राजस्थान की पहली जैविक कृषि नीति कब बनी? तो याद रख लेना पहली जैविक कृषि नीति बनी थी 2017 में। तो ये आपके लिए आज के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन आपको बताया था। एक बात और देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में पहला कृषि फार्म बताओ तो सूरतगढ़, पहला कृषि फार्म है सूरतगढ़, 15 अगस्त 1956, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, रूस के सहयोग से स्थापित। दूसरा कृषि फार्म है जैतसर, कनाडा के सहयोग से 1964 में स्थापित। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में है, 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर। बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र पूछे तो बीकानेर में 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र। फिर उसके बाद मसाला बीज केंद्र तबीजी या डुडाड़ा अजमेर 2000 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 में। एक आज केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र बिछवाल बीकानेर इसकी स्थापना भी 1993 में हुई थी। आरएस में आया था एक बार ये क्वेश्चन।
फिर उसके बाद में आपसे पूछ ले कि ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीड बीकानेर, कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर, बेर खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, मूंगफली मंडी बीकानेर, एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी पूछ ले तो नोखा बीकानेर के अंदर है। राजस्थान की पहली कृषि नीति पूछ ले आपसे तो 26 जून 2013 में बनी थी, और राजस्थान की पहली जैविक कृषि नीति अगर आपसे कोई पूछे तो 2017 में बनी थी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बार बार आप शिकायत करते हो कि सर मौका नहीं देते, तो भाई मौका दे दिया, अब आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है एक बार अच्छे अच्छे कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छे कमेंट करते रहोगे हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपको नए से नए वीडियो देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।